नमस्कार दोस्तों, आज हम दूसरा सिलेक्शन का दूसरा है सिलेक्शन टेस्ट के बारे में जानेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इससे पहले जो हमने स्टेप लिया था वो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग थी, जिसमें हमने जो हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म्स आई थी उनमें हमने प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग की, जो हमारे से जो जो रिक्वायरमेंट थी उनको हमने चेक किया। चेक करने के बाद में जो हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे थे उन फॉर्मों को हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद में जो है बाकी के को हमने रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद में दूसरा नंबर आता है सिलेक्शन टेस्ट का। सिलेक्शन टेस्ट में हम क्या करते हैं, इन द सिलेक्शन प्रोसेस सिलेक्शन टेस्ट हैव एन इम्पोर्टेंट प्लेस, बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस होता है ये। थ्रू दीज टेस्ट एबिलिटी, जिसमें हम जो है कैंडिडेट की एबिलिटी को चेक करते हैं, स्किल्स को ऑफ द कैंडिडेट आर मेजर्ड, इनके बारे में हम मेजर करते हैं। दीज टेस्ट आर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, तीन कैटेगरीज में उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहला है जो है प्रोफिशिएंसी टेस्ट, दूसरा है साइकोलॉजिकल टेस्ट, तीसरा है अदर टेस्ट। तो सिलेक्शन टेस्ट जब हम करते हैं तो चैन जो भी सिलेक्शन टेस्ट जो होता है ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें हम जो भी एप्लीकेंट आते हैं हमारे पास उनकी हम योग्यता को चेक करते हैं, उसकी निपुणता को चेक करते हैं। एबिलिटी, योग्यता मीन्स एबिलिटी, और स्किल्स मीन्स निपुणता के बारे में जानकारी करते हैं। जब हमें ये सारी बातें मिल जाती हैं तो फिर उसके बाद में हम प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होता है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट लेते हैं। प्रोफिशिएंसी टेस्ट को भी दो कैटेगरियों में डिवाइड किया जाता है, एक तो स्पेशलाइजेशन ट्रेड, स्पेशलाइजेशन ट्रेड एफिशिएंसी टेस्ट, दूसरा होता है थ्योरेटिकल नॉलेज टेस्ट। तो प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होता है, दक्षता जो परीक्षा होती है जिसमें हम उसकी एबिलिटी को चेक करते हैं, तो प्रार्थी के किसी भी परीक्षा के समय उपलब्ध योग्यता एवं निपुणता पूरी उसकी जांच की जाती है। यहाँ विशेषकर इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि जो भी एप्लीकेंट है द्वारा बताई गई जो भी बातें हैं, जो भी उसने अपनी क्वालिफिकेशंस बताई है, जो भी उसने अपनी एबिलिटी बताई है, तो उसके उसको पूरी को चेक किया जाता है। ये दो प्रकार की होती है, फर्स्ट स्पेशलाइजेशन और स्पेशल ट्रेड एफिशिएंसी। इसमें क्या होता है, इस परीक्षा में हम जो एप्लीकेंट होता है उसकी जो है नॉलेज को चेक करते हैं हम कि जो है उसकी स्पेशलाइजेशन किस चीज़ में है, और जिसमें स्पेशलाइजेशन है उसमें उसकी नॉलेज है भी है या नहीं है, इस बात को हम चेक करते हैं। यहाँ पर ट्रेड का अभिप्राय जो है बिजनेस ना होकर एक विशेष क्षेत्र से, जैसे सपोज दैट फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, हमें जो है केमिस्ट्री के टीचर्स की नियुक्ति करनी है, तो देखना पड़ेगा कि केमिस्ट्री की नॉलेज जो हमने एप्लीकेशन हमारे पास जो आई हैं उसमें हम देखेंगे, हमने रिक्रूटमेंट निकाला कि जो है एप्लीकेशन के साथ में जब रिक्रूटमेंट किया था हमने ये निकाला कि हमें केमिस्ट्री के टीचर्स की आवश्यकता है और कम से कम 5 वर्ष का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो हमने उसके द्वारा जो लिखा गया था उसमें फॉर्म में जो फुलफिल किया था उसने एप्लीकेशन में, उसके आधार पर हमने सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद में सिलेक्शन टेस्ट होगा तो हम ये देखेंगे उसके अंदर कि वो केमिस्ट्री पढ़ाना जानता भी है अथवा नहीं, उसका स्पेशलाइजेशन किस क्षेत्र में है, केमिस्ट्री में है भी है या नहीं। ऐसा तो नहीं है बस केमिस्ट्री उसने डाल दिया और नॉलेज उसको कुछ है नहीं है, तो हम उसकी नॉलेज को, उसके स्पेशलाइजेशन को चेक करते हैं। ट्रेड का मतलब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक भी हमें कंप्यूटर ऑपरेटर का सिलेक्शन करना है, ठीक है ना, और यह देखा जाएगा कि जो भी एप्लीकेंट है, ठीक है ना, उसने उस क्षेत्र में विशिष्टता हासिल की है या नहीं की है। कंप्यूटर की उस पर डिग्री है लेकिन वर्क नहीं आता, वो भी बेकार है, तो ये हम चेक करेंगे कि वास्तव में वो उस पोस्ट के लायक है भी है अथवा नहीं, तो ये चेक करेंगे। दूसरी
थ्योरेटिकल नॉलेज। दूसरी बात यह है कि मान लो कम सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी है एक को, लेकिन हार्डवेयर के बारे में जानकारी नहीं है। तो हार्डवेयर का अगर हमें चाहिए तो हार्डवेयर की लेंगे, तो डेक्सटेरिटी टेस्ट दूसरा क्या होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज होती है दूसरी। थ्योरेटिकल नॉलेज में क्या करते हैं हम, जब भी हम टेस्ट लेते हैं किसी एप्लीकेंट का, तो उसके टेक्निकल नॉलेज के बारे में जानकारी करते हैं हम कि उसमें टेक्निकल नॉलेज है भी है कि नहीं। जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए हमने कोई एप्लीकेंट चुना और कंप्यूटर के विभिन्न पुर्जों के बारे में पूछना शुरू किया उससे, तो यह जानकारी प्राप्त करना कि उसे कंप्यूटर खराब होने पर उसे वो ठीक कर भी सकता है अथवा नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो ये सारी जानकारियाँ उससे लेंगे, ठीक है, कंप्यूटर खराब होने पर वो ठीक करना आता है अथवा नहीं आता है, व्यावहारिक जानकारी तो उसे है, ठीक है ना। प्रार्थी की विशिष्ट जो स्पेशलाइजेशन है वो क्या है, वो पूरा हमें देखना पड़ेगा। तो कंप्यूटर ऑपरेटर से कंप्यूटर का काम भी करवाना, प्लस वो कंप्यूटर के बारे में उसे नॉलेज है भी है नहीं, ताकि कभी ख़राब भी हो जाए तो उसे वो ठीक कर ले, ये चेक करना। तो ये हो गया आपका थ्योरेटिकल नॉलेज। दूसरा है डेक्सटेरिटी टेस्ट। डेक्सटेरिटी से टेस्ट में हम जानते हैं कि हम उसकी रीजनिंग्स वगैरह चेक करते हैं, ठीक है ना। जिन कार्यों के लिए जो है फिजिकल लेबर की ज़रूरत होती है, वहाँ फिजिकल लेबर से रिलेटेड कर्मचारियों को रखा जाता है, एम्प्लॉइज को लिया जाता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है हमारा डेक्सटेरिटी टेस्ट का मतलब, कि इस परीक्षा में यह पता लगाया जाता है कि जो एप्लीकेंट है उसके हाथ पैर अथवा शरीर को कार्य करते समय कितनी एबिलिटी से वो कितनी स्पीडली वो उस वर्क को करता है। तो कंप्यूटर, जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर ऑपरेटर को कंप्यूटर के बटने जो भी हैं, कीबोर्ड जो है, पर उंगलियां चलाने की गति कितनी है, कितनी स्पीड से वो जो है टाइप करता है, ये चेक करना। व्यावहारिक जानकारी जो है वो अलग चीज़ है, ठीक है ना। लेकिन डेक्सटेरिटी दोनों में चेंजेज है, दोनों में अंतर है। तो व्यावसायिक जानकारी परीक्षा में यह देखा जाता है कि प्रार्थी को कंप्यूटर चलाना आता भी है अथवा नहीं, टाइप करना आता भी है या नहीं, ये दोनों बातें चेक की जाती हैं। दूसरा है साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट में हम उसकी ये इसमें भी कई प्रकार के टेस्ट होते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट में। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट में आता है जैसे कि ये सम सिलेक्शन टेस्ट आर साइकोलॉजिकल नेचर। दिस टेस्ट इन्फॉर्म अबाउट द कंडक्ट एंड एफिशिएंसी ऑफ द कैंडिडेट। कैंडिडेट की एफिशिएंसी को टेस्ट किया जाता है इसमें। ऑल्दो टू और मोर पर्सन मे हैव इक्वल स्पेशलाइजेशन इन अ गिवन फील्ड। मान लो दो लोगों को स्पेशलाइजेशन है किसी फील्ड में, एक ही फील्ड में, येट देयर मे बी डिफरेंस इन देयर पर्सनैलिटी। तो दोनों की डिफरेंस देखना पड़ेगा पर्सनैलिटी के बारे में, इंटेलिजेंस के बारे में, कंडक्ट टेस्ट के बारे में एंड एक्सेट्रा। दीज डिफरेंस इज मेड क्लियर विद द हेल्प ऑफ द साइकोलॉजिकल टेस्ट। इसके लिए हमें साइकोलॉजिकल टेस्ट की हेल्प लेनी होगी। सच टेस्ट आर हेल्पफुल इन द कंप्यूटर अप्रेजल ऑफ डिफरेंट पर्सन। ऑब्जेक्टिव ऑफ द साइकोलॉजिकल टेस्ट इज टू एग्जामिन द मेंटल एबिलिटी, इंटरेस्ट इन वर्क, मैच्योरिटी एंड एक्सेप्टर। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उसकी एबिलिटी कैसी है, मेंटल लेवल उसका कितना तेज है, इंटरेस्ट उसका उस वर्क में है या नहीं है, वो काम मन से करता भी है अथवा नहीं करता है। दीज आर द ऑल थिंग्स वी हैव टू नोन इन द साइकोलॉजिकल टेस्ट। इज द एग्जामिन द मेंटल एबिलिटी, इंटरेस्ट ऑन वर्क, मैच्योरिटी उसकी एंड एक्सेप्टा ऑफ द कैंडिडेट। मेन साइकोलॉजिकल टेस्ट आर एज फॉलोज। इतने प्रकार के होते हैं इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट में हम उसका इंटरेस्ट चेक करते हैं कि उस बंदे का उस फील्ड में कितना इंटरेस्ट है,
वो मन से वर्क करता भी है अथवा नहीं, ये चीज़ चेक करते हैं हम। तो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस टेस्ट इज टू एग्जामिन द इंटरेस्ट ऑफ द कैंडिडेट इज स्पेशियल वर्क। सपोज दैट हमें अकाउंट का बंदा पढ़ाने के लिए चाहिए, तो वो अकाउंट के बारे में जानता भी है कि नहीं है, तो ये सारी बातें उसमें चेक की जाती हैं टेस्ट के इंटरेस्ट टेस्ट में। ऑन द बेसिस ऑफ द सच टेस्ट ऑफ बिकम इजी टू अपॉइंट द कैंडिडेट ऑन द जॉब ऑफ हिज इंटरेस्ट। एज अ रिजल्ट द एप्लीकेंट गेट्स मैक्सिमम जॉब सेटिस्फैक्शन, ठीक है ना, अच्छा सेटिस्फैक्शन देगा एंड ही प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो वो जो है ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस करेगा, आगे बढ़ाएगा। तो ये इंटरेस्ट टेस्ट है, उसके बारे में जान उसको जिस फील्ड में उसको अपॉइंटमेंट करना है उस फील्ड में उसका क्या स्पेशलाइजेशन है। नेक्स्ट इंटेलिजेंसी टेस्ट, उसके इंटेलिजेंसी चेक की जाती है कि वो उस पद के योग्य है भी है या नहीं है। तो दीज एजम्पशंस बिहाइंड दिस टेस्ट इज दैट मोर इंटेलिजेंट पर्सन कैन लीन वर्क क्विकली एंड इजीली एंड द ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट स्पेंड मच ऑन हिज ट्रेनिंग। कि बंदा कितनी जल्दी काम करता है, कितनी स्पीडली काम करता है, कितनी सरलता से काम करता है, ये चीज़ चेक की जाती है उसमें। ऐसा तो नहीं है कहीं उसे हमें ट्रेनिंग करानी पड़े, बाद में अपॉइंटमेंट कराने के बाद में उसको जो है हमें ट्रेंड करने के लिए उसको जो है ट्रेनिंग करानी पड़े, ट्रेनिंग की आवश्यकता हो। तो ये सभी चीज़ देख रहे हैं। इन ऑर्डर टू द टेस्ट इंटेलिजेंस ऑफ द कैंडिडेट, तो कैंडिडेट की जो है हम इंटेलिजेंस को चेक करते हैं। देयर रिसेप्शन पावर्स, मेमोरी पावर, ठीक है ना, उसकी रिसेप्शन पावर चेक की जाती है, मेमोरी पावर चेक की जाती है, उसकी रीजनिंग्स पावर चेक की जाती है, नेक्स्ट टर्न चीज़ों के बारे में हम जानकारी करते हैं। आर एग्जामिन्ड फॉर दिस टेस्ट, इन सभी टेस्टों को किया जाता है। अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज प्रिपेयर्ड, हम कुछ क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं एंड द कैंडिडेट आर asked to his answer the same in the given period of the time. On this basis their level of the intelligence is known. तो हम ऐसे करके उसकी इंटेलिजेंसी को चेक कर सकते हैं। उसमें उसकी जो है रीजनिंग टेस्ट, क्वेश्चन देने की पावर, मेमोरी टेस्ट, इनके बारे में भी हम चेक करते हैं। अगला है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है बच्चों? एप्टीट्यूड का मीन्स उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसके अंदर जो छुपी हुई क्वालिफिकेशन से वो क्या है, स्किल से वो क्या है, उसको बारे में पता करना एप्टीट्यूड टेस्ट। थ्रू दिस टेस्ट एफर्ट्स आर मेड टू नो द हिडन क्वालिटी ऑफ द कैंडिडेट। कैंडिडेट की हिडन जो क्वालिटीज़ हैं उनको चेक किया जाता है इसमें। अब हिडन क्या है? सो दैट इट इज़ एंश्योर्ड If he can be taught by training or not. In other word, the test that measuring the learning capacity, उसकी जो सीखने की जो capacity है वो कैसी है of the candidate is called aptitude test. यानी उसकी जो learning power है, we have to testing the learning power of the candidate. तो उसकी अगर लर्निंग पावर ठीक है तो वो कैंडिडेट हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर साबित हो सकता है। कैपेसिटी ऑफ द कैंडिडेट इज कॉल्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। तो जो कैपेसिटी, लर्निंग कैपेसिटी ऑफ द कैंडिडेट जो होगी वो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट के अंतर्गत आता है। दिस एप्टीट्यूड टेस्ट लुक फॉर द लर्निंग कैपेसिटी ऑफ द पर्सन टू डू पर्टिकुलर जॉब। जो पर्टिकुलर जॉब है उसको वो आसानी के साथ कर सकता है। नेक्स्ट है पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट में उसकी पर्सनालिटी को चेक किया जाता है, वो दिखता कैसा है बंदा, जो है उसके अंदर वर्क करने की स्मार्टनेस कैसी है दी जाता। बाय दिस टेस्ट इट इज सीन हाउ मच एबिलिटी अ पर्सन हैज टू इंट्रैक्ट विद अदर्स, दूसरों को अट्रैक्ट कर लेता है या अथवा नहीं, उसकी कैचिंग पावर क्या है, हाउ मच ही कैन इन्फ्लुएंस एंड मोटिवेट देम, एम्प्लॉय को मोटिवेट कैसे करता है
लोगों को अपने प्रति प्रभावित कैसे करता है। दीज आर द ऑल थिंग वी हैव टू टेस्ट द कैंडिडेट। इट इज ऑल्सो सीन वेदर और नॉट ही हैज़ द पावर टू रिमूव द ऑब्स्टेकल्स दैट मे अराइज इन द जॉब ऑन विच ही इज अपॉइंटेड। फॉर इंस्टेंस अ पर्सन हु डज नॉट अंडरस्टैंड द सफिशियंट ऑफ द अदर कैन नॉट बिकम अ गुड डॉक्टर। सिमिलरली अ पर्सन हु डज नॉट लाइक टू मिक्स विद अदर्स कैन नॉट बी बिकम्स अ गुड सेल्समैन। सपोज दैट हम उसकी पर्सनैलिटी को टेस्ट करते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट का मतलब वो लोगों को कैसे अट्रैक्ट कर पाता है, मोटिवेट करने की उसकी तरीका कैसा है। दीज आर द रिलेटेड टू द पर्सनैलिटी टेस्ट। तो इसमें हम उसकी पर्सनैलिटी टेस्ट को भी चेक करते हैं। तो अब नेक्स्ट है अदर टेस्ट। अदर टेस्ट में हम बच्चों मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज टेस्ट आर नो द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैंडिडेट। हम इसमें कैंडिडेट की अदर टेस्ट के माध्यम से कुछ चेक करते हैं। हिज कम्युनिकेटिंग एबिलिटी, उसकी कम्युनिकेशन की एबिलिटी कैसी है, कैसे एक दूसरे को जो है कम्युनिकेट करता है वो। हिज मेंटल मेचोरिटी कैसी है, राइटिंग एबिलिटी कैसी है, अल्टरनेट। दीज आर द ऑल थिंग वी हैव टू चेक दिस अदर टेस्ट। दीज टेस्ट आर टू टाइप, दो टाइप के होते हैं। इसमें हम नॉलेज और लैंग्वेज को चेक करते हैं, उसकी जनरल नॉलेज कैसी है, जीके उसका ठीक है या नहीं है ये चेक करते हैं। उसकी लैंग्वेज कैसी है, लोगों को अपनी लैंग्वेज से कैसे इन्फ्लुएंस करता है वो, तो इसके बारे में हम जानकारी करते हैं। इन दिस टेस्ट थॉट ऑफ द कैंडिडेट आर सीन। कैंडिडेट के थॉट्स देखे जाते हैं, उसके विचार देखे जाते हैं कि उसके विचार हैं कैसे, किस टाइप से वो जो है लोगों को अपने प्रति इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है ना। हाउ ही पुट्स हिज थॉट्स इन ब्लैक एंड वाइट। कहीं ऐसा तो नहीं है ये बंदा जो है कहीं पे जो है फ्रॉड वगैरह करके आया हो, इसको भी चेक किया जाता है इसमें। व्हाट इज हिज स्टाइल ऑफ लैंग्वेज, उसकी स्टाइल कैसी है, लैंग्वेज स्टाइल कैसी है। हाउ इज हिज हैंड राइटिंग, उसकी हैंड राइटिंग कैसी है। एंड व्हाट इज हिज स्पीड ऑफ राइटिंग, और राइटिंग जो लिखता है वो उसकी स्पीड क्या है। तो ये सब चीज़ हम अदर टेस्ट में के माध्यम से चेक करते हैं। क्या क्या चेक करते हैं इसमें, उसकी हैंड राइटिंग, उसकी लैंग्वेज, उसकी स्पीकिंग पावर, उसकी जो है स्पीड ऑफ द हैंड राइटिंग, ठीक है ना। और जो है जीके वगैरह चेक की जाती है, ठीक है। तो ये दीज आर द ऑल थिंग वी हैव टू टेस्ट इन द अदर टेस्ट। जनरल नॉलेज टेस्ट, कैंडिडेट विस्टम, मेमोरी पावर, अल्टरनेटिव जनरल टेस्ट, ये इसके बारे में भी हम चेकिंग करते हैं, टेस्ट करते हैं उसको। आर नॉन बाय वे ऑफ दिस टेस्ट, इनके बारे में हम जानकारी कैंडिडेट से करते हैं। राइटिंग टेस्ट आर यूजली कंडक्ट व्हेन द नंबर ऑफ द एप्लीकेंट इज वेरी लार्ज फॉर लिमिट पोस्ट एंड देयर अकेडमिक लेवल इज द डिफरेंट। तो हम इस तरीके से जो है इन सारी बातों को चेक करते हैं। अब इसके बाद में एक बार दोबारा इसको रिव्यू कर लेते हैं, सिलेक्शन टेस्ट में क्या क्या होता है। तो एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, सिलेक्शन टेस्ट इन द सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन टेस्ट हैव एन इम्पोर्टेंट प्लेस थ्रू दिस टेस्ट एबिलिटी एंड स्किल्स ऑफ द कैंडिडेट आर मेजर्ड। स्किल को चेक करते हैं, उसके जो एबिलिटी को टेस्ट चेक करते हैं हम। दीज आर द थ्री कैटेगरीज, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड अदर टेस्ट। प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इन द प्रोफिशिएंसी टेस्ट अ कैंडिडेट्स एबिलिटी एंड स्किल्स मैनिफेस्टेड इन द एग्जामिनेशन आर वेरीफाइड। तो एग्जामिनेशन के माध्यम से जो है वेरीफाइड की जाती है
हियर सोशल अटेंशन, उसकी सोशल अटेंशन कैसी इज पेड टू सी द करेक्टनेस ऑफ द एबिलिटी एंड स्किल एज एम हेस्टेड बाई द एप्लीकेंट। प्रोफिशियंसी टेस्ट आर ऑफ द फॉलोइंग टू काइंड, दो प्रकार का होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेशलाइजेशन और स्पेशियल ट्रेड एफिशिएंसी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑफ दिस टेस्ट इज टू वेरीफाई द स्पेशलाइजेशन ऑफ द कैंडिडेट इन द स्पेसिफाइड फील्ड। जो भी हमने स्पेसिफाइड पोस्ट निकाली है उसके लायक वो बंदा है भी है अथवा नहीं। फॉर एग्जाम्पल व्हाइल सेलेक्टिंग अ कंप्यूटर ऑपरेटर, हमें एक कंप्यूटर ऑपरेटर सेलेक्ट करना है इन द बिजनेस के अंदर, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इट विल बी एंश्योर वेदर द एप्लीकेंट एप्लीकेंट सो सोशलाइज इन दिस ट्रेड और फील्ड। दिस टेस्ट इज रन मे बी टू टाइप, ये जो टेस्ट लेते हैं हम दो प्रकार का ले सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर पद पर हमें किसी व्यक्ति को नियुक्त करना है तो उसकी योग्यता के, उसके स्पेशलाइजेशन के बारे में हम जो जानकारी करनी है वो हम दो प्रकार से कर सकते हैं कि उसे थ्योरेटिकल नॉलेज कैसी है उसकी और प्रैक्टिकल नॉलेज कैसी है। थ्योरेटिकल नॉलेज में हम उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज को चेक करते हैं। थ्योरेटिकल नॉलेज, पर्पज ऑफ द थ्योरेटिकल नॉलेज टेस्ट टू इज इंक्वायर द अबाउट द टेक्निकल आस्पेक्ट, कि उसकी टेक्निकल आस्पेक्ट कैसी है, उसका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में क्या वो है उसको चेक करते हैं। फॉर इंस्टेंस आस्किंग द कंप्यूटर ऑपरेटर अबाउट डिफरेंट पार्ट के बारे में हम उससे पूछते हैं ऑफ द कंप्यूटर, एंड नोइंग वेदर ही कैन पुट राइट द कंप्यूटर इन केस ऑफ द ब्रेक डाउन। मान लो कभी कंप्यूटर का ब्रेक डाउन हो जाए, गिर जाए, खराब हो जाए, मतलब ब्रेक डाउन का मतलब जब कंप्यूटर खराब हो जाए तो वो उसको सही भी कर सके, तो हम उसके थ्योरेटिकल नॉलेज को चेक करते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज में, प्रैक्टिकल नॉलेज जस्ट रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर की जानकारी। प्रैक्टिकल नॉलेज टेस्ट इज टू गेट द वर्क डन इन रेस्पेक्ट ऑफ द स्पेशलाइजेशन फील्ड बाय द कैंडिडेट। फॉर इंस्टेंस आस्किंग द कैंडिडेट फॉर द जॉब ऑफ द कंप्यूटर ऑपरेटर टू द ऑपरेट द कंप्यूटर, जिससे कि वो कंप्यूटर को ऑपरेट कर सके, तो इसके बारे में उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज को भी चेक हम करते हैं। डेक्सटेरिटी टेस्ट का मतलब होता है दक्षता परीक्षा उसकी कैसी है, उसको भी चेक करते हैं। तो दो जॉब्स वेयर फिजिकल लेबर इज कॉल्ड फॉर देयर द एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट इज नोन बाई द पुटिंग हिम डेक्सटेरिटी टेस्ट। Such a test throw light on how quickly and efficiently the candidate moves his body and other limbs while on work. For instance, to test the speed of the movement of finger of the keyboard, a computer by the computer operator. जब वो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, जब वो टाइपिंग करता है कंप्यूटर की, तो उसकी उंगलियां जो चलती हैं उस पर वो किस टाइप से चलती हैं, सही वे में चलती हैं या नहीं चलती हैं, वो जो टाइपिंग की स्पीड क्या है उसकी, इसके बारे में हम चेक करते हैं। एंड डेक्सटेरिटी टेस्ट, प्रैक्टिकल नॉलेज टेस्ट इज कंसर्न विद नोइंग वेदर द कैंडिडेट हैज अ नॉलेज अबाउट द ऑपरेटिंग द कंप्यूटर, वाइल डेक्सटेरिटी टेस्ट मेजर द स्पीड ऑपरेटर ऑपरेटिंग ऑफ द कंप्यूटर को ऑपरेट करने की उसकी स्पीड क्या है। नेक्स्ट भी साइकोलॉजिकल टेस्ट, इसमें हम उसकी साइकोलॉजी को टेस्ट करते हैं। सम सिलेक्शन टेस्ट आर साइकोलॉजिकल नेचर, कुछ साइकोलॉजिकल नेचर के टेस्ट होते हैं बच्चों, तो उनको हम चेक करते हैं साइकोलॉजिकल नेचर। दीज टेस्ट इन्फॉर्म अबाउट द कंडक्ट ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ द कैंडिडेट, कैंडिडेट की एफिशिएंसी चेक करी जाती है कि वर्क करने की उसकी एफिशिएंसी कैसी है। ऑल द टू और मोर पर्सन मे हैव इक्वल स्पेशलाइजेशन, दो एक या दो व्यक्ति हो सकते हैं कि फील्ड में स्पेशलाइजेशन उनका हो इन द गिवन फील्ड, येट देयर मे बी डिफरेंट ऑन देयर पर्सनैलिटी, लेकिन काम करने का तरीका दोनों का डिफरेंट हो सकता है। नॉलेज दोनों में है लेकिन कार्य करने का तरीका है वो दोनों का डिफरेंट हो सकता है। इंटेलिजेंसी कंडक्ट टेस्ट,
द एक्सेप्ट्रा। दिस डिफरेंस इज मेड क्लियर विद द हेल्प ऑफ द साइकोलॉजिकल टेस्ट। ये हमें कैसे पता लगेगा, जब हम उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट लेंगे तब हमें पता लगेगा, देखेंगे उसको कि दोनों का कार्य करने का तरीका कैसा है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट है। एक जल्दी काम करता होगा, एक स्लो मोशन में काम करता होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो दोनों की एबिलिटी को चेक करेंगे साइकोलॉजिकल टेस्ट के माध्यम से। सच टेस्ट आर हेल्पफुल इन द कंप्यूटर अप्रेजल ऑफ डिफरेंट पर्संस। ऑब्जेक्टिव ऑफ द साइकोलॉजिकल टेस्ट इज टू एग्जामिन द मेंटल एबिलिटी, मतलब इसका मतलब है मेंटल एबिलिटी को चेक करना। इंटरेस्ट ऑन वर्क, उसके वर्क का इंटरेस्ट कैसा है उस क्षेत्र में, उसको चेक करना। उसकी मैच्योरिटी के बारे को चेक करना, ठीक है ना। मेन साइकोलॉजिकल टेस्ट आर अंडर इंटरेस्ट टेस्ट, इसमें उसके इंटरेस्ट को चेक किया जाता है कि उसका कार्य के प्रति इंटरेस्ट कितना है, कितने मन से वो काम करता है। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टेस्ट इज टू एग्जामिन द इंटरेस्ट ऑफ द कैंडिडेट इज स्पेशलाइजेशन वर्क। ऑन द बेसिस ऑफ सच अ टेस्ट इट बिकम्स इजी टू अपॉइंट द कैंडिडेट ऑन द जॉब ऑफ हिज इंटरेस्ट, उसका उस जॉब को करने का कैसा इंटरेस्ट है। एज अ रिजल्ट द एप्लीकेंट गेट्स मैक्सिमम जॉब सेटिस्फैक्शन, जब वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, एंड ही प्लेज सिग्निफिकेंट रोल, ठीक है ना, इन द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये होता है इंटरेस्ट टेस्ट। इसके बाद में उसकी इंटेलिजेंसी टेस्ट लिया जाता है। द एजम्पशंस बिहाइंड दिस टेस्ट इज दैट अ मोर इंटेलिजेंस पर्सन कैन लर्न वर्क क्विकली एंड ईजीली एंड द ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट स्पेंड मच ऑन हिज ट्रेनिंग इन ऑर्डर टू टेस्ट द इंटेलिजेंस ऑफ द कैंडिडेट्स देयर रिसेप्शन पावर्स मेमोरी पावर्स एंड रीजनिंग पावर्स एक्सेट्रा। तो ये चीज़ हम चेक करते हैं किसमें, इंटेलिजेंसी टेस्ट में। बच्चों अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज प्रिपेयर, हम लिस्ट बना करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चों उससे। एंड द कैंडिडेट आर आस्किंग टू द आंसर द सेम ऑफ द गिवन पीरियड, वो जो टाइम पीरियड दिया गया उसमें कैसे आंसर देता है। ऑन दिस बेसिस देयर लेवल ऑफ द इंटेलिजेंस इज नॉन, इससे उसका इंटेलिजेंस पता चलता है बच्चों। नेक्स्ट एप्टीट्यूड टेस्ट है। थ्रू दिस टेस्ट एफर्ट आर मेड टू नो द हिडन क्वालिटी, इसमें हम उसके अंदर जो क्या क्वालिटी है, उसके कैंडिडेट के अंदर क्या क्वालिटी है, इसके बारे में जानकारी करते हैं। सो दैट इट इज एंश्योर्ड इफ ही कैन टॉट बाय द लर्निंग और नॉट ट्रेनिंग और नॉट। इन अदर वर्ड्स द टेस्ट दैट मेजर टू द लर्निंग कैपेसिटी ऑफ द कैंडिडेट इज कॉल्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें उसकी लर्निंग कैपेसिटी को का पता लगाया जाता है। दस एप्टीट्यूड टेस्ट लुक फॉर द लर्निंग कैपेसिटी ऑफ द पर्सन टू डू पर्टिकुलर जॉब। तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट लेते हैं उसमें, उसकी पर्सनैलिटी को देखा जाता है। बाय दिस टेस्ट इट इज सीन हाउ मच एबिलिटी अ पर्सन हैज़ टू इंटरेक्ट विद अदर्स, दूसरों से कैसे इंटरेक्ट करता है, वो इंटरेक्शन करने की पावर उसकी कैसी है। हाउ मच ही कैन इन्फ्लुएंस द मोट एंड मोटिवेट देम, कैसे मोटिवेट करता है लोगों को। इट इज ऑल्सो सीन वेदर और नॉट ही हैज द पावर टू रिमूव द ऑब्स्टेंस दैट मे अराइज इन द जॉब्स ऑन विच ही इज अपॉइंटेड। फॉर इंस्टेंस अ पर्सन हु डज नॉट अंडरस्टैंड द सफरिंग ऑफ द अदर्स कैन नॉट बिकम्स अ गुड डॉक्टर। सिमिलरली अ पर्सन हु डज नॉट लाइक टू मिक्स एंड अदर्स कैन नॉट बिकम्स अ गुड सेल्समैन। तो बच्चों आज हमने ये सब पढ़े। इसके बाद में अदर टेस्ट और आता है सी। अदर टेस्ट में क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टेस्ट आर टू नोन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैंडिडेट, कैंडिडेट की अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जाता है। हिज कम्युनिकेशन एबिलिटी, उसकी कम्युनिकेशन एबिलिटी को चेक किया जाता है। हिज मेंटल मैच्योरिटी, राइटिंग एबिलिटी, अल्टरनेट एक्सेप्ट्रा। दिस टेस्ट आर एज फॉलोज नॉलेज
इन लैंग्वेज, उसकी लैंग्वेज टेस्ट लिया जाता है कि उसकी लैंग्वेज कैसी है, स्पीकिंग पावर उसकी क्या है, किस तरीके से वो लोगों से व्यवहार करता है, इसको चेक करते हैं। इन दिस टेस्ट थ्रू आउट द कैंडिडेट आर सीन हाउ ही पुट्स द थॉट्स, उसके थॉट्स क्या हैं इन ब्लैक एंड वाइट, व्हाट इज हिज स्टाइल, लैंग्वेज, लैंग्वेज की स्टाइल क्या है, हाउ इज द हैंड राइटिंग एंड व्हाट इज हिज स्पीड ऑफ राइटिंग। जनरल नॉलेज टेस्ट लेते हैं, उसके जनरल नॉलेज के बारे में जानकारी करते हैं। कैंडिडेट विजडम मेमोरी पावर्स अटेंशन जनरल टेस्ट एक्सेप्ट्रा आर नोन बाई वे ऑफ दिस टेस्ट, रिटन टेस्ट आर यूजली कंडक्टेड व्हेन द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इज वेरी लार्ज फॉर लिमिटेड पोस्ट एंड देयर अकेडमिक लेवल इज द डिफरेंट। तो दोस्तों आज हमने सिलेक्शन टेस्ट के बारे में पूरा डिस्कशन किया, तो थैंक यू वेरी मच।